मैंने फाउंडेशन अपनी ग्रुप वन और ग्रुप टू तीनों ऑनलाइन करी है पारस से ही, मतलब उनकी ऑनलाइन इतनी अच्छी है तो ये तो दी बेस्ट ही होगा। जो इन्होंने मेरे अंदर वैल्यू क्रिएट करी है ना, वो बहुत मेरे को आगे लाइफ लॉन्ग काम आएगी। जो इन्होंने मुझे आज यहाँ बनाया है, मैं स्टेज पे यूजुअली जाता नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप सबके सामने, इनफैक्ट हजारों बच्चों के सामने मैं बोल रहा हूँ, तो ये इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ हेलो एवरीवन, एंजॉय कर रहे हो आप सब आगे स्टडीज? टीचर्स इतने यहाँ कमाल के हो रहे सब। आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इस रूम में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। इस रूम में मैंने फाउंडेशन अपनी ग्रुप वन और ग्रुप टू तीनों ऑनलाइन करी है पारस से ही, मतलब उनकी ऑनलाइन इतनी अच्छी है तो ये तो दी बेस्ट ही होगा। मैंने मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं बहुत मिस करता हूँ इस चीज़ को। मैं सर को ही बोलता हूँ, सर मैंने मतलब पता नहीं क्या मिस कर दिया अपनी लाइफ का। बट सर यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है फाइनल स्टार्ट करेंगे, जब आना तो ठीक है। वेट कर रहा हूँ मैं तो इस चीज़ का, बहुत मैंने मिस किया है सब। जो आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना, बहुत प्रीशियस है। मैंने तो मतलब नहीं देखा है सब, आफ्टर 12th कोविड वगैरह सब आ गया तो ऑनलाइन क्लासेस हमें मजबूरी में करनी पड़ी। बट उस टाइम भी इनकी मैनेजमेंट टीम कितनी अच्छी है, तो डेली पूछते थे कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हुई या नहीं हुई, आपने टेस्ट वगैरह दिए नहीं दिए, नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। आपका डेली डेली वो आता था, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन होता है, तो घर वालों को भी कॉल्स आ जाती हैं। तो मुझे वो चीज़ बेस्ट लगती थी कि इंटरेक्शन का बहुत अच्छा था। ग्रुप वन में भी वही मेंटेन रहा, प्लस डाउट सॉल्विंग प्लस, और सभी टीचर्स दी बेस्ट हैं यहाँ। हर किसी का अपना वही स्पेशलिटी है, मस्त पढ़ाते हैं सब। इन्हीं के आशीर्वाद से आज यहीं खड़ा हूँ मैं तो यहाँ पे। ठीक है, इनका मैनेज कर रखा है इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग ही है आपका। अगर डेली मतलब अगर खिंच भी रहा है ना, कोई ना कोई रीज़न है। अब आप और भी जगह देख सकते हो कि वो लोग जल्दी खिंचवा देते हैं और ये सब, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भूल जाओगे और एंड ऑल सब, कोई प्रैक्टिस नहीं है। बीच बीच में जो टेस्ट होना है उस चीज़ का बहुत बेनिफिट है आपको। आपका रिविजन होता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में जाके हम लिखे क्या, तो वो रह जाते हैं। 12th तक ये चीज़ फेस मैं भी करता था, बट पारस में आने के बाद मैंने नहीं करी। इनके जो टेस्ट वगैरह होते थे वो दी बेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट दिया करो अपने, नहीं आता तो भी दिया करो, एटलीस्ट आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, और अपने राइटिंग प्रैक्टिस करा करो, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स की। मैं तो बहुत करता था भाई, मेरे को डर लगता था, मैं सर से बात भी करता था, सर बोलते राइटिंग प्रैक्टिस करो क्योंकि एट द एंड वही काम आती है। कितना ही रट लो, आपको वर्ड्स नहीं बताऊँगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। जो इन्होंने मेरे अंदर वैल्यू क्रिएट करी है ना, वो बहुत मेरे को आगे लाइफ लॉन्ग काम आएगी। जो इन्होंने मुझे आज यहाँ बनाया है, मैं स्टेज पे यूजुअली जाता नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप सबके सामने, इनफैक्ट हजारों बच्चों के सामने मैं बोल रहा हूँ, तो ये इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ पारस भी तो जाएंगे ना बेटे लेक्चर। तो मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब रिमार्केबल रहा है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छे टीचर्स मिले हैं, इनकी गाइडेंस के अंदर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स को कॉल करते हैं। वो यही होते हैं यार टीचर्स आपके लिए, जब एट द एंड खड़े रहते हैं तो वही होते हैं। मतलब मैंने तो मुझे याद आता है सर को, मैं गौरव सर से मुझे याद आता है कि मैं रात को 10:30, 11, 12 बजे तक भी मैंने बात कर रखी है फॉर डाउट्स। मैं बहुत परेशान रहता था, मतलब मैं लिटरली रो रो के थ्योरी पढ़ता था। मैं तो कैमरे पे भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका ये सोल्यूशन यही था जो सर ने दिया, राइटिंग प्रैक्टिस एट लास्ट वही आपके काम आएगी, वो ज़रूर से ज़रूर करना, पर कभी परेशानी नहीं होगी। राइटिंग प्रैक्टिस अपना करते रहना। आपको एक अगर सर जो भी क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, अगर 10 दें तो आप कम से कम 3 तो लिखो अपने हाथ से, एक बार दो बार, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।